कोलकाता के बाग बाजार में कॉलोनी में लगी भीषण आग, दमकल की 20 गाड़ियां आग बुझाने में जुटी। एक के बाद एक कई सिलेंडर धमाके से पहला बाग बाजार, लाखों का सामान जलकर हुआ राख। लखनऊ में आगरा एक्सप्रेस वे पर चलती बस में लगी आग, समय रहते यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। दिल्ली के अलीपुर थाने में किसानों के खिलाफ FIR हुई है दर्ज, दिल्ली के पूर्व ACP वेदभूषण ने ही FIR दर्ज कराई, NSA के तहत कार्रवाई की मांग की। खालिस्तानी समर्थकों पर बड़ा एक्शन, सिख फॉर जस्टिस की वेबसाइट बैन, सरकार ने 40 वेबसाइट्स पर लगाया प्रतिबंध। किसानों के आंदोलन में खालिस्तानी साजिश का एक और सबूत मिला, किसानों के समर्थन में सिख फॉर जस्टिस का सुप्रीम कोर्ट को खुला पत्र, खालिस्तान के लिए रेफरेंडम की भी मांग की। किसान आंदोलन में खालिस्तान के समर्थन पर केंद्र सरकार तैयार कर रही हलफनामा, सुप्रीम कोर्ट में ऑनलाइन दायर किया जाएगा हलफनामा। किसान नेता राकेश टिकैत ने फिर दी सरकार को धमकी, कहा किसानों को जब जबरन उठाया तो कम से कम 1000 लोगों की जाएगी जान, बिल वापसी पर ही घर वापसी की दी है चेतावनी। 15 जनवरी को किसान और सरकार के बीच वार्ता पर संशय बरकरार, बैठक में शामिल होने के लिए गुरुवार को किसान नेता फिर करेंगे मंथन। बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने किसानों से आंदोलन खत्म करने की अपील की, कहा सुप्रीम कोर्ट के फैसले का किसान करे सम्मान। किसानों के नाम पर कांग्रेस की सियासत जारी, दिल्ली के जंतर मंतर पर कांग्रेस सांसदों कृषि कानून की प्रतियां जलाकर मनाई लोहड़ी। विपक्ष पर बरसे केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी, विपक्ष पर किसानों में भ्रम फैलाने और भड़काने का लगाया आरोप। हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने पीएम मोदी से की मुलाकात, कई मुद्दों पर हुई है चर्चा, आज कानून एवं न्याय मंत्री रविशंकर प्रसाद से भी मिले दुष्यंत चौटाला। श्रीनगर एयरपोर्ट पर बाल बाल बचे 233 यात्रियों की जान, रनवे पर इंडिगो का विमान जमे हुए बर्फ के टीले से टकरा गया। जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान की आतंकी साजिश का पर्दाफाश, कठुआ में बीएसएफ में ढूंढी सुरंग, कराची का सैंड बैग भी मिला। श्रीनगर के रेनवाड़ी इलाके में CRPF के काफिले पर ग्रेनेड हमला, ग्रेनेड का निशाना चूका, किसी को कोई नुकसान नहीं। श्रीनगर में सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को किया गिरफ्तार, आतंकियों के पास से 2 पिस्टल और 2 मैगजीन जब्त। रक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ी स्वदेशी डील को हरी झंडी, लड़ाकू विमान तेजस के लिए 48,000 करोड़ का फंड मंजूर, सुरक्षा मामलों की कैबिनेट कमेटी ने दी है हरी झंडी। अमित शाह गुरुवार को गुजरात में मनाएंगे मकर संक्रांति का त्यौहार, बीजेपी अध्यक्ष JP नड्डा तमिलनाडु में मनाएंगे संक्रांति। TMC के पूर्व सांसद KD सिंह के मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में 16 जनवरी तक ED की हिरासत में भेजे गए, ED ने 239 करोड़ की संपत्ति जब्त की। बंगाल के बर्धमान में ममता के मंत्री सिद्दीकुल्ला से भिड़े जमाते उलेमा समर्थक, हाईवे से हटाने पर हुआ था हंगामा, कृषि कानून के खिलाफ था जमाते उलेमा का प्रदर्शन। कर्नाटक के येदियुरप्पा कैबिनेट का हुआ विस्तार, राजभवन में 7 विधायकों ने ली मंत्री पद की शपथ। औरंगाबाद के बाद उद्धव सरकार ने एक और जिले का नाम बदल दिया, महाराष्ट्र सरकार ने उस्मानाबाद का नाम सदाशिव कर दिया। CBSE बोर्ड की परीक्षाओं के मद्देनजर 18 जनवरी से दिल्ली में खुलेंगे स्कूल, 10वीं और 12वीं की कक्षा के छात्रों को स्कूल आने की अनुमति। दिल्ली में बर्ड फ्लू के कारण चिकन की खरीद बिक्री पर लगा बैन, उत्तरी और दक्षिणी दिल्ली नगर निगम ने लगाई रोक। कल से पूरे देश में शुरू होगा कोरोना का वैक्सीनेशन, पहले चरण में कोरोना योद्धाओं को दिया जाएगा वैक्सीन। वैक्सीनेशन ड्राइव के लिए 16 जनवरी को दिल्ली के लोकनायक अस्पताल जाएंगे सीएम केजरीवाल, दिल्ली में 75 जगहों पर सुबह 9 बजे शाम 5 बजे तक लगेगा वैक्सीन। पंजाब सरकार ने आम लोगों को फ्री में कोरोना वैक्सीन देने का किया ऐलान, दिल्ली में केजरीवाल ने भी फ्री वैक्सीन का कर दिया ऐलान। भारत में कोरोना संक्रमण में आई कमी, एक दिन में 17,817 नए मरीज सामने आए, जबकि 202 लोगों की मौत की भी पुष्टि हुई है। केरल के कोच्चि पहुंचा 1,80,000 कोरोना वैक्सीन की पहली खेप, वैक्सीनेशन के लिए कोची में दूसरे शहरों से भेजा गया। गोरखपुर महोत्सव के समापन कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी ने कलाकारों को किया सम्मानित, कहा कोरोना वैक्सीन के लिए अपनी बारी का करें इंतजार। यूपी विधान परिषद चुनाव के लिए SP ने अहमद हसन और राजेंद्र चौधरी को बनाया उम्मीदवार, लखनऊ में पार्टी की बैठक में हुआ फैसला। हरीश रावत के ट्वीट से कांग्रेस में तहलका, पार्टी पर लगाया उपेक्षा का आरोप, इंदिरा रमेश ने कांग्रेस पर कसा तंज। नोएडा में 2 नाबालिग छात्रों ने ठेकेदार की हत्या कर लूटी कार, पुलिस ने दोनों को किया है गिरफ्तार। ग्रेटर नोएडा में SCF और बदमाशों के बीच मुठभेड़, 1,00,000 के इनामी बदमाश अनूप को लगी गोली, 1 पिस्टल जब्त। यूपी में संपत्ति का ब्यौरा न देने वाले IAS अधिकारियों का रुक सकता है प्रमोशन, कई बार निर्देश देने के बाद भी कई IAS ने केंद्र में नहीं जमा किए दस्तावेज, रडार पर है 100 से ज्यादा अफसर। यूपी के प्रतापगढ़ में स्थानीय लोगों ने चोर को पेड़ से बांधकर जमकर पीटा, पुलिस ने चोर को स्थानीय लोगों से छुड़वाया। यूपी के बुलंदशहर में भिड़ी स्कूली छात्राओं के मारपीट का एक वीडियो हुआ है वायरल। 2 दिन के महाराष्ट्र दौरे पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल वर्धा में कांग्रेस के प्रशिक्षण शिविर में होंगे शामिल। दंतेवाड़ा में DRG की टीम को बड़ी कामयाबी मिली, एनकाउंटर में 5,00,000 का इनामी नक्सली एरिया कमांडर ढेर, चिकपाल और मार्जन के जंगलों में हुई थी मुठभेड़। इंडिगो के मैनेजर रूपेश सिंह की हत्या के मामले में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने DGP से मांगी रिपोर्ट, मंगलवार को बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी।
बिहार में बढ़ते अपराध को तेजस्वी ने एनडीए सरकार की विफलता बताया। कहा नहीं संभल रहा बिहार, तत्काल इस्तीफा दे नीतीश कुमार। तेजस्वी ने केंद्र और राज्य सरकार पर साधा निशाना। कहा डबल इंजन वाली सरकार में नहीं बची है नैतिकता। मुजफ्फरपुर में बदमाशों ने सेंट्रल बैंक में डाला डाका। हथियारों के बल पर 5 लाख रुपए लूट कर ले गए बदमाश। कैमूर में 4400 लीटर शराब पर चला बुलडोजर, तो विक्रम में 9000 लीटर शराब की गई नस्त। विभिन्न जिलों से की गई थी जब्त। खगड़िया में बैलदौड़ में कोसी नदी का कटाव जारी। उपजाऊ जमीन और फसलें बन रही है नदी का क्रास। कोरोना की वजह से पिंक सिटी में इस बार नहीं होगा काइट फेस्टिवल। जिला प्रशासन ने सुबह 6 से 8 और शाम 5 से 6 तक पतंगबाजी पर रोक लगा दी। कांग्रेस संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल का जयपुर दौरा। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने वेणुगोपाल से की मुलाकात। मुख्यमंत्री के साथ हुई है अहम बैठक। राजस्थान के भरतपुर में जहरीली शराब का कहर। जहरीली शराब पीने से 4 की मौत, 6 की हालत गंभीर। जयपुर में एसीबी की बड़ी कार्रवाई। एसीबी ने दौसा और बांदीकुई के एसडीएम को 5-5 लाख रुपए घूस लेते गिरफ्तार किया है।